मेरा नाम रक्षंदा है और आज मैं आपके साथ में मंथली फेवरेट शेयर करने वाली हूँ। इट्स बीन अ वाइल दैट आई डिड नॉट शेयर एनी मंथली फेवरेट विथ यू गाइस, सो सोचा थोड़ा सा आपके साथ में मेरा फेवरेट चीजें शेयर करूँ, जिसके वजह से मेरा रिव्यू आपको काम में आएगा। क्योंकि फेवरेट मतलब मुझे वो अच्छे लगे है जिनका पॉजिटिव रिव्यू रहा है, एंड दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। तो शॉपिंग करते टाइम आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, तो यही इस वीडियो का मोटिव है। एंड कुछ कुछ चीजें मैं जनवरी फरवरी मार्च के मैं शेयर करूंगी, और कुछ चीजें मैंने बस मार्च से यूज करना स्टार्ट किया है। एंड आई जस्ट फॉल इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। एंड द कैटेगरी इज ऑल मेकअप स्किन केयर, तो या वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इट इज फ्रॉम स्किन केयर कैटेगरी एंड दैट इज अ बायोटिक बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। एंड दिस इज अ सच अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, एनीबडी कैन यूज दिस मॉइस्चराइजर। तो मेकअप लगाने से पहले हो या फिर फेस वॉश करने के बाद में हो, इसे ही मैंने हर टाइम यूज किया है। जब भी मुझे लगता था फेस को मॉइस्चराइजर की जरूरत है, एंड इसके वजह से इतना ही है अभी बचा है। आई हैव टू परचेज इट अगेन, तो या आई एम जस्ट लविंग द प्रोडक्ट। तभी स्किन केयर की बात चली रही है, तो मैं ये गुड बाई का प्रोमोग्रेनेट ब्राइटनिंग स्क्रब को कैसे भूल सकती हूँ। दिस इज सच अ नाइस प्रोडक्ट, सिंस दिवाली आई एम यूजिंग दिस, क्योंकि मैं कोई भी रिव्यू इमिडिएटली नहीं देती हूँ, मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। तो दिवाली के बाद से मैं इसे यूज कर रही थी एंड मेरे स्किन को इतना ज्यादा अच्छा ब्राइटनेस इफेक्ट देता है, और अभी धूप की वजह से तो बहुत ज्यादा टैनिंग वैनिंग आ जाती है। उस टाइम पे मुझे इसने बहुत ज्यादा मतलब हेल्प किया है, यू कैन से। जब आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है, जब आपको लगता है कोई भी प्रोडक्ट इतने जल्दी आपको इफेक्ट नहीं देगा, एंड यू वांट टू रॉक ऑन एनी फंक्शन और एनी इवेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग आउटसाइड, तो उस टाइम पे ये स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। एंड माय स्किन इज ऑयली, और ये वाला जो स्क्रब है ये कोई भी स्किन टाइप वाले लोग यूज कर सकते हैं। इवन सिस्टर हैज अ कॉम्बिनेशन स्किन एंड माय मॉम हैज आल्सो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, एंड आई माय स्किन इज ऑयली स्किन, तो हम सब यूज कर रहे हैं एंड सबको ये स्क्रब अच्छा लगता है। एंड दैट्स इट, व्हेनेवर यू विल ट्राई यू विल आल्सो लव दिस प्रोडक्ट। Which I have that is from makeup category, तो यहाँ पे है मेरे पास में L'Oreal Paris का foundation. This is a L'Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation, and the applicator it's just amazing. ऐसे easily आप इसे लगा सकते हैं। बेस्ट थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर पार्टिकल है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइनेस लाता है, और ये फाउंडेशन इतना ज्यादा स्मूथली आपके स्किन पे मेल्ट हो जाता है। और फॉर्मूला इट्स अमेजिंग, द शेड इज ऑल्सो ट्रूली मैच ऑन माई स्किन। तो 7D ओम्ब्रे डॉट गोल्डन ओम्ब्रे यहाँ पे मैं डाल दूंगी। सो दिस इज माई परफेक्ट फाउंडेशन आई वुड से, और इसे मैं अभी 2-3 महीने से कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। ये सिंगली यूज़ करती हूँ या फिर मैं किसी और फाउंडेशन के साथ मिक्स करती हूँ, जब मुझे और ज़्यादा मतलब कवरेज चाहिए होता है, दैट टाइम आई यूज़ दूसरा फाउंडेशन ऑल्सो। इसका भी कवरेज ज़्यादा अच्छा है, बट ये कलर और दूसरा कलर को मिक्स करते हुए जो फॉर्मूला होता है वो एक अलग ही लेवल का मज़ा होता है। तो इसकी वजह से मैं 2 फाउंडेशन लगाना प्रेफर करती हूँ, बट या आई एम लविंग द फाउंडेशन। दी MRP इट्स क्वाइट हाई, बट मैंने जैसे मैं ऑफर पे ही कुछ भी चीज़ें लेती हूँ, तो इसको भी मैंने ऑफर के टाइम ही लिया था जब नायका या अमेजोन का सेल चल रहा था। तो मेकअप की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे है मेरे पास में लिपस्टिक फ्रॉम स्टेकवर्की। तो स्टेकवर्की का इतना ज़्यादा ये प्रिटी शेड है, ये मैंने लास्ट मंथ ही लिया हुआ है फ्रॉम पर्पल। तो इसका जो शेड है वो मैं यहाँ पे क्लिप डाल दूंगी, तो इतना ज़्यादा प्रिटी शेड है। दिस इज अ लिक्विड लिपस्टिक, और इसको भी मैंने ऑफर पे ही लिया था। इसका शेड का खासियत मुझे ये लगी कि जो मैक
ही रूबी लिपस्टिक है जो काफी ज्यादा फेमस लिपस्टिक है, उसके शेड जैसा है वैसा ही इसका शेड है। आपने मेकअप कुछ भी नहीं लगाया है, बस इस लिपस्टिक को लगा लिया, दैट्स गुड टू गो। ये लिपस्टिक मतलब ऑफिस वेयर के लिए नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अ डार्क कलर, न्यूट्रल कलर आप ऑफिस में लगा सकते हैं। सो पार्टी वगैरह में जाना है या फिर आप ऐसे घूमने जा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस लिपस्टिक। द शेड नेम इज अर्टस्टेक वर्की रेड किलिंग इट 23। हियर इज माई टू फेवरेट नेल पेंट, वन इज लेवेंडर कलर एंड वन इज अ टर्कोइश ब्लू कलर या फिर एक्वा कलर आप कह सकते हैं। वन इज फ्रॉम नेल ट्रेंड, ये मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था, एंड अनदर इज फ्रॉम मिनीसो। तो ये दोनों शेड इतना ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। राइट नाउ ऑल्सो आई हैव वेयर द लवेंडर शेड, लिए जा रहे हैं या फिर ऑफिस के लिए जा रहे हैं, वेन एवर यू आर गोइंग आउट, सो यू कैन वेयर दिस बोथ कलर, कौन सा भी कलर आप ले लो, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतने ज़्यादा आपके नेल और हैंड अच्छे लगेंगे, बिल्कुल डार्क नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा क्लासी लुक आपको ये देगा। सो आई एम जस्ट लविंग दी बोथ कलर। सो ये एक रैंडम सा चीज़ है, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। बट या नेल पेंट भी कलर अच्छे हो गए तो डेफिनेटली आपका मूड भी उनसे एक प्लेजेंट सा मूड हो जाता है। तो नेक्स्ट मेरा जो फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है लेकिन ये चीज़ मेरी नहीं है, दैट इज टाइटन का ये परफ्यूम। लेट मी ओपन इट। सो दिस इज हाउ दी लग्जरियस प्रोडक्ट लुक लाइक। तो ये मेरे सिस्टर फ्यूम का नाम है ओमन यू डे परफ्यूम, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राइट। सो दिस इज हाउ दी प्रोडक्ट लुक लाइक, इतना ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, बट शी कांट अलो मी टू यूज दिस परफ्यूम। बट मैंने जब भी मुझे मौका मिला, मैंने मौके पे चौका मार दिया और इसे यूज़ किया है। सो या दिस इज सच ए लॉन्ग लास्टिंग एंड नाइस फ्रेग्रम परफ्यूम। इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट 500 to 700 इन अ परफ्यूम, देन यू कैन गो फॉर दिस परफ्यूम एंड आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल। तो दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट इन मार्च। कंफर्टेबल जीन्स किसे नहीं पसंद होता है, तो मुझे मिल गई है एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जीन्स फ्रॉम कैल्विन क्ले। यहाँ पे मैं पिक्चर डाल दूंगी क्योंकि अभी मैं वॉशिंग के लिए उस पैंट को डाल दिया है, क्योंकि उसे मैं अल्टरनेटिव डेज में इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो राइट नाउ आई कांट शो यू, बट या आई विल इंसर्ट द पिक्चर। तो कैल्विन क्ले वगैरह के ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बट मेरे पुणे में मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। तो डेट इज़ लाइक अ मिनी सरोजनी, जहाँ पे सरोजनी में भी कैसे आप कम प्राइस में मिलती है, वैसे सेम यहाँ पे भी ब्रांडेड चीज़ें जैसे फॉरएवर 21 हो गया, ये फिर कैल्विन क्ले हो गया, या फिर कोई भी मतलब आप ब्रांड ले लीजिए, वहाँ पे आपको ढूंढने पे मिलता है, ऐसा ही नहीं मिलता, आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, पूरा स्टोर एक्सप्लोर करना पड़ता है, फिर आपको जैसे मन चाहा वैसा प्रोडक्ट मिल जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में। आपने सुना है कभी 3-4 हज़ार की जीन्स आपको 300-400 रुपये में मिलेगी? नहीं ना। तो बस 300-400 रुपये में मुझे ये जीन्स मिल गई है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें मुझे पता नहीं चलता था पहले कि लोग ब्रांडेड चीज़ें भाई क्यों लेते हैं, बट अभी जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ब्रांडेड चीज़ों में जो कंफर्ट होता है वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता है, एंड दैट्स द रीज़न द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑलवेज ऑन अ हाई साइड। तो या दैट्स व्हाई आई गॉट दैट जीन्स और आई एम जस्ट लविंग द प्रोडक्ट, और मैंने मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड आई एम श्योर आगे भी मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो सो अगेन दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, आई रियली होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा है देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे पॉजिटिव, गुड बाय।